सत श्री अकाल, मैं डॉक्टर कमलजीत कौर बांगा, ऑफिशिएटिंग प्रिंसीपल नैशनल कॉलेज फॉर वीमेन माछीवाड़ा। मैं धन्यवाद करती हाँ डॉक्टर गगनदीप कौर गुलाटी ते उन्हां दी समूह टीम दा, जिन्हां ने अपने यूट्यूब चैनल वेविंग ड्रीम्स के जरिए मैनू कहानी पढ़न दे लई ए प्लेटफॉर्म दिता। ते अज मैं तुहाडे सामने प्रवासी कहानीकारा सुरजीत कौर की कहानी जगदियां अखां दा तलिस्म पेश करन लगी हाँ। पहली बार वह मैनू एक साहित्यिक समागम विच मिली, निहायत खूबसूरत, सारियां तो वक्री। उस दे नाल एक हैंडसम नौजवान, हाथ विच कैमरा, दोवें इउं लगन जिवें कोई शाही बंदे होण। समागम तो बाद वह मेरे कोल आई, मैं लवीन ते इह हन मेरे पार्टनर, तुहाडे नाल एक फोटो लैनी है। मैं उसते तिखे तिखे नैन नक्शां दे तलिस्म विच गवाची हुई झट पोज बना के बैठ गई। खैर बहुती गलबात तां ना हो सकी, पर मेरी उत्सुकता ने उसनू फेसबुक उपर लभ लिया। उस दीआं लिखतां पढ़ियां इन्नियां पुख्ता, मैं उस तों होर प्रभावित हो गई। होर पुनछाण कीती तां पता चलिया वह एक एक्टिविस्ट भी है ते अमर कर्मा ऑर्गन डोनेशन सोसाइटी नाम की संस्था की संस्थापक ने। की चीज़ है ये कुड़ी, लेखक अते एक्टिविस्ट ते खूबसूरत। मैं इस बारे होर जानन लई सोशल मीडिया ते पए उसकी संस्था च दिते वेरवे अनुसार उसकी होने वाली अगली मीटिंग ते जा पहुंची। शमा सामदा ओंटारियो सूबे दे ब्रैम्पटन शहर दे एन विचकार स्थित टॉर बर्म पार्क विच एक खूबसूरत शैड। शैड हेठां पै बैंचां ते बैठे 10 जने, कुछ बजुर्ग ते कुछ नौजवान, उम्र दा एक कौलाज, सारे ही गल्लां विच व्यस्त। जानन विच औख ना होई कि यही अमर कर्मा ऑर्गन डोनेशन सोसाइटी दी एग्जीक्यूटिव कमेटी दी मीटिंग। मैं रस्मी जही सारियां नूं सांझी फतेह बुलाई तां लवीन ने बहुत ही सतिकार नाल मैनूं जी आया आ के बैठन लई सीट ऑफर कीती। मैं बिन बुलाया आ गई हाँ, तुहानू कोई ऑब्जैक्शन ते नहीं था? ओ नो मैम, यू आर मोस्ट वेलकम, उसने बड़े प्यार नाल मैनू कलावे विच लिया। उसकी इस अपनत तो मेरा सदके जानू जी किता। इन्ने नू अचानक मेरी नज़र सिमी ते पई, किते वजों नर्स है ओ जानदी है बड़े चिरां तो। बड़ी ही खुश हो के मिली, तुसी इत्थे किद्दां? बस एवें ही, मैं हस रही सी। उसने दसिया कि वह इस ग्रुप नाल तनो मनो जुड़ी हुई इसकी मैंबर है ते इस दीआं मीटिंगां विच लगातार आउंदी है। मैं हौली जिही पुछिया, एक कहो जी संस्था हुई? अमर कर्मा ऑर्गन डोनेशन सोसाइटी, हाउ फनी, अंग भी कोई दान करन वाली चीज़ है भला? उसने इशारे नाल मैनू चुप रहन दे कहा। अंग दान ते ए संस्था की करदे ने, ए किवें करदे ने, ए हजारां सवाल सन मेरे दिल विच। सिमी ने सारिया नाल मेरी जान पछाण करवाई, लवीन वाल इशारा करके आखन लगी, ए है लवीन, अमर कर्मा दी फाउंडर ते अंबैसडर। ते फिर मेरे वाल इशारा करके बोली, लवीन ए मेरी लेखक दोस्त है मिस कौर, ए अमर कर्मा दे बहुत कम आ सकती है क्योंकि इसके अंदर एक करुणा भरिया दिल है ते ए बहुत वधिया लिखती है। लवीन ने सिमी नूं कहा, मैं जानती हाँ मैम नूं बहुत चंगी तरह, मैं इन्हां दीआं लिखतां पढ़दी रहिंदी हाँ, इन्हां दी फैन हाँ। अच्छा, तां ही इह मैनूं इन्नी अपनत नाल मिलदी है, मैनूं हुण समझ आई। मैं गौर नाल उस कुड़ी वल वेख रही सां। मेरे सामने बैठी मलूक जिही सोहनी जी कुड़ी इस संस्था दी फाउंडर है। मैं सोचदी सां कि वड्डे सारे कद वालियां वड्डी उम्र दीआं रोबदार औरतां ही एक्टिविस्ट हुंदियां ने, पर आ तां मेरे विचारां दे बिल्कुल उल्ट हो गया। मैं चोरी छुपे उस वल वेख लैंदी हाँ। अचानक लवीन टेबल दे सामने वाले पासे आके खड़ी हो गई, हाथ विच मैकबुक लैके हाजिर मैंबरां नूं संबोधित होई, वेलकम दोस्तो। मैं चौंक गई ते आले दुआले देखण लगी, दोस्तो दोस्त कौन ने इहदे? इत्थे सामने तां किन्ने सारे सीनियर्स बैठे हुए ने, ओ इह तां सानूं दोस्त कह रही है, वाह वाह, आ तां इहने नवें जमाने वाली गल कीती, बई सानूं कहिंदी दोस्तो। फिर ख्याल आया, असल विच ये इको सोच नूं मुखातिब है, इको सोच दे धारनी दोस्त ही हुंदे ने, वधिया गल है, दोस्त ही साथ निभाउंदे ने। मेरा ध्यान लवीन दी आवाज़ ने फिर खिंचिया, वह कहन लगी,
सब तो पहला तो मैं थोड़ी सारिया की थैंकफुल हाँ, थोड़े सारिया के साथ तो बिना मैं इकली कुछ नहीं कर सकती। सब तो पहला सारे अपने लिए रच के ताड़ियाँ बजायो जरा। तो दोस्तों इस तो पहला तुसी अपनी गल शुरू करो, अज मेरे को तुहाडे लई एक सरप्राइज़ भी है, पर दसांगी मीटिंग तो अखीर विच। मीटिंग विच हलचल होई, सब तो मूहरे बैठी एक हसमुख जही मुटियार चट देने बोली, मैं रोज़ चलाउंदी हाँ 15 मिनट, मैं फेसबुक ते एक वक्रा पेज बना लिया अमर करमा। लोगों नू फेसबुक राही मैं इस संस्था की जानकारी दे चुकी हाँ, सब ने ताड़ियाँ मारनिया शुरू कीतियाँ। लवीन ने हाथ का इशारा करके उसनू इंतजार करन लई कहा, सारे ही आपो अपनी वारी ते अपने वल्लों पाए योगदान बारे दसन लगे। मैनू एहसास होया इसनू कहंदे ने कमिटमेंट, कमाल है अपने मिशन नू किवें लैके तुर रहे ने ये लोग। इन्हां दी लीडर ने ते अपने सिपाहियां नू बड़ी चंगी ट्रेनिंग दित्ती होई है, किन्ना विश्वास भर दिता इन्हां विच इसने इस मिशन बारे। अगों मैंबर भी तय दिलों जुड़े हुए ने, कुड़ी तो कुड़ी इसका सारा ग्रुप ही मैनू कमाल का लगता है। इस सचमुच ही कमाल दी लीडर है। हुण तां मैं भी उत्सुक सी कि वेखते हाँ वो कि खबर देने वाली है। वडेरी उम्र का एक आदमी उठ्या ते मीटिंग नू मुखातिब होया, असल विच ये काम साडे वर्गे बजुर्गों नू करना चाहिए सी, अंगदान करने साडी जरूरत है, तुहाडे वर्गे बच्चों की नहीं। गुड जॉब लवी, तेरी सोच नू सलाम, तू हैरानीजनक काम शुरू किया, सानू भी नाल जोड़ लिया। इस शुभ काम लई मेरिया शुभ इशावां बच्ची, असी सारे तेरे नाल खड़े हाँ, जो कुछ कर सकते हाँ करांगे। जे अंगदान नाल किसी की जिंदगी बच सकती है तो यह पुन वाली गल है। आपां सारे इकट्ठे ही हाँ सर, मैं इकली की कर सकती हाँ, पर मैं दसा अजे असी होर बहुत कम करने हैं, ये साडे सारियां दा सांझा फर्ज है। साडे ओंटारियो विच अंगां दी बड़ी घाट है, पता है किन्ने लोग इंतजार कर रहे ने अंगा लई, कि असी उन्हां विच्चों किसे एक नूं भी जीवन देन दी कोशिश नहीं कर सकते। पता अपने सूबे विच किसे एक नूं, अपने सूबे विच 3 दिनां विच एक व्यक्ति अंगदान दी इंतजार करता है, करदा मर रहा है। आओ अंगदान नूं एक लहर बनाइए। मैं सोचन लगी ये तो बड़ी बहादुर कुड़ी है, किन्नी नवी सोच है इसकी। इसने सिद्ध कर दिता कि काम करन लई किसे खास उम्र लई उड़ीकना नहीं पैंदा। सामने वो दो पंजाबी औरतां पार्क दे अंदर वड़ रही सन, रंग बिरंगे सूट पाई, एक दूजे नाल उच्ची उच्ची गल्लां च मस्त। परे जहे कुछ पंजाबी बजुर्ग भी गप्पां मारदे शाम दा आनंद माण रहे सन। मेरा जी करे कि पार्क विच बैठे सारे लोगों नू कहां कि तुसी भी शामिल हो जाओ इस मुहिम विच। देखो ये किन्ने वधिया लोग ने, किन्ना वधिया काम कर रहे ने। ये किसे इकल्ले दा काम नहीं, सारे समाज दा सांझा काम हुंदा है। सारिआं नू इकट्ठा होना चाहीदा अमर कारजां लई, ते मनोमनी मैं इस ग्रुप दा हिस्सा भी बन गई। पार्क विच दो बंदे ते दो औरतां सचमुच साडे कोल आ गए। एक औरत बड़े अखड़ जे लहजे च बोली, असी किन्नी देर तो तुहाडे पिछे बैठे तुहाडियां गल्लां सुनी जा रहे हाँ, एक इहो जिहा भंडी प्रचार शुरू किया होया, तुसी जरा सोचो जे असी मर के अखां दान कर दित्तियां तां अगले जन्म विच अन्ने ना जम्मांगे। सारे हसन लग पए ते एक मैंबर बोलिया, देखिया अंगदान संबंधी इहो जिहे ही भरम ने लोकां नूं, ते लोकां नूं समझाउणा बड़ा औखा है। लवीन ने सारियां नूं चुप रहिण दा इशारा कीता ते प्रश्नकर्तावां नूं बड़े प्यार नाल कहा कि देखो भी जी, मर के तां शरीर मिट्टी विच ही मिल जाणा है, लोक ऐवें भरमां विच पै होए ने, इस करके सानूं अपनी सोच नूं बदलण दी लोड़ है। मेरे लई भी ये गल्लां उन्नियां ही नवीआं सन जिन्नियां होर लोकां लई, ते जिन्हां ते ये सारे हस रहे सन। मैं अपने ड्राइविंग लाइसेंस ते डोनर दा स्टिकर तां भावें अज तो 15 साल पहला ही लगवा लिया सी, पर इस दृष्टिकोण तो कदे सोचिया नहीं सी। बस यही सोचिया सी मर के सड़ ही जाना है, बाद विच आपे देखदे रहणगे डॉक्टरां ने जो करना है। किन्ना चिर असी उन्हां दीआं गल्लां नूं ध्यान नाल सुणदे रहे, ते उस तो बाद लवीन ने फिर कहना शुरू किया कि दोस्तों जे रुख
हवा ते मधुमक्खियां वलंटियर बन सकदियां हन, असी क्यों नहीं। मैं एक सजरी घटना सांझी करना चाहती हाँ, शायद तुसी भी खबर पढ़ी होवे। मैक्सिको विच एक बंदा सी बाहां तो बगैर ते किसी आदमी की एक्सीडेंट विच मौत हो गई। पता डॉक्टरां ने मरे हुए बंदे दियां बाहां उस अपाहिज दे इम्प्लांट कर दित्तियां। जरूरतमंद नूं लोड़ींदा अंग मिल जावे तां डॉक्टर उस नूं बचा सकदा है। दोस्तों हुण ओ खुशखबरी, रेडी। टोरंटो सिटी वल्लों आपां नूं सिटी विच अपना प्रोसेशन कढ़न की इजाजत मिल गई है। सारे खुशी नाल खड़े हो गए, उछल उछल के जोर जोर दी ताड़ियां वजाउण लगे ते रौला पाउण लगे। मीटिंग बर्खास्त होई। लवीन ते उसका साथी किन्ना चिर उत्थे खड़े लोगों के सवालों के जवाब देंदे रहे। उस दिन मैं कई तरह के अजीबो गरीब सवालों नूं लैके घर मुड़ी। तीजी बार मैं अमर करमा की वॉक में शामिल होने लई टोरंटो जा पहुंची। उत्सुकता ही इन्नी सी नवी सोच नूं जानन दे लई। तकरीबन 40 कु लोग सन, हत्थां विच वख-वख स्लोगनां दे झंडे चुकी जिन्हां ते अंग्रेजी विच लिखिया होया सी आओ अंग दान दी मुहिम दा हिस्सा बनिए। सब तो अगे लवीन सी ते सब तो पिछे उसका साथी मिस्टर सिंह। पानी दिया बोतलां ते होर निक सुख चुकी सारे इकट्ठ ते नज़र रख सिहा सी। सारे जने आपो अपने स्लोगन बोलदे बड़े उत्साह नाल पार्क विच तुर रहे सन। एक घंटे की वॉक खत्म करन तो बाद सारे पार्क विच दरख्तां हेठां बैठ गए। धुप भी काफ़ी सी ते थकावट भी हो गई सी। सारिया ने स्लोगना वाले झंडे उत्थे ही जमीन विच गड़ दिते। कोई घा ते लेट गया, कोई गल्लां मारन लगा। मेरे कोल ही बैठा एक नौजवान दूजे नाल गल्लां कर रहा सी। अचानक इकट्ठ विच रौला पैन लग्या, शी ब्रांडी इज हेयर, ब्रांडी इज कमिंग। लो आ की इन्नी गर्मी विच ब्रांडी। अजे सोच ही रही सी कि गुलाबी फ्राक पाई 8 साल की कुड़ी जिस दे हाथ विच एक दिल वर्गा रबड़ दा गुब्बारा सी 3-4 होर गोरे लोकां नाल साडे इकट्ठ वल वध रही सी। उसने वह दिल लवीन नूं फड़ा दिता। सारे खुशी ताड़ियां बजा रहे सन। उफ, हुण समझ आई ये है ब्रांडी। ब्रांडी ने अपने दिल ते हथ रख के अंग्रेजी विच बड़े मुहब्बती बोलां च कहा, मैं ब्रांडी। पता है अज तो कुछ महीने पहला मैं मर गई हुंदी। मेरे दिल नूं सीरियस प्रॉब्लम हो गई सी। मेरे पेरेंट्स बहुत उदास हो गए। मेरी फैमिली पूरी तरह टुट चुकी सी। अमर करमा की मदद नाल मैनू नवा दिल मिल गया। मैं ते मेरी फैमिली अमर करमा दे ऋणी हाँ। असी इस संस्था लई जो भी कर सकते हुए करांगे। थैंक यू लवीन, थैंक यू अमर करमा, थैंक यू ऑल फ्रेंड्स। कोल खड़ी उसकी माँ दी अखां विच अथरू सन। वह कह रही सी ये साड़ी इकलौती औलाद है, जे ये ना बचदी तां असी भी। सारियां दियां अखां भर आईयां। उसने लवीन दा हथ फड़ के कहा, तुसी नवा दीप जगाया, नवी रोशनी फैला रहे हो, थैंक यू लव यू। ताड़ियां दी आवाज़ गूंजी। आखिर अपनी पहली कोशिश सफल हुई। चलो इसे खुशी च अज दी वॉक खत्म। इस सारा कुछ मेरे लिए असलों नवा सी। मेरे कन्ना विच अजे तक वह सारिया आवाज़ा गूंज रही सन। जदों मैं दूर दमेल वल वेख्या तो मैनू जापया कि पार्क विच बैठे सारे लोग लवीन नाल आ जुड़े ने। घरां चों निकल के बहुत सारे लोग लवीन वल वध रहे ने। बहुत वड्डा काफला बन तुरिया। लवीन मूरे मूरे तुर रही है, अमर करमा दा झंडा चुकी। हर कदम नाल उसका कद वधदा जा रहा है, होर वडेरा होर वडेरा। उस दियां जगदियां अखां दा तलिस्सम सारे आले दुआले फैल चुके हैं। धन्यवाद तुहाडे सुझावां ते टिप्पणियां दा।